कंपेयरिंग अ मोनोकॉट एंड अ डाइकॉट। मोनोकॉट और डाइकॉट में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में कल भी हम लोगों ने पढ़ा था। मोनोकॉट जो है, मोनोकॉट प्लांट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसमें वन कॉटिलीडन होता है, और डाइकॉट प्लांट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें टू कॉटिलीडन होते हैं। हाउ कैन वी डिफ्रेंशिएट बिटवीन अ डाइकॉट एंड अ मोनोकॉट प्लांट, कैसे हम एक डाइकॉट और मोनोकॉट प्लांट में फ़र्क कर सकते हैं। वी कैन फाइंड आउट बाय स्टडिंग द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दिस टू टाइप्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। हम ये फाइंड कर सकते हैं स्टडी करके फ्लावरिंग प्लांट्स की डिफरेंट टाइप्स, देयर सीड्स, स्टेम्स, लीव्स, फ्लावर्स एंड रूट्स। ये सारी स्ट्रक्चर्स को स्टडी करके हम लोग बता सकते हैं कि मोनोकॉट और डाइकॉट में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम लोग सीड के बारे में पढ़ेंगे, बीज के बारे में पढ़ेंगे। व्हेन द सीड्स जर्मिनेट दे प्रोड्यूस डिफरेंट नंबर ऑफ सीड लीव्स। जब सीड जर्मिनेट करते हैं तो वो प्रोड्यूस करते हैं डिफरेंट नंबर सीड लीव्स का। द सीड ऑफ अ मोनोकॉट प्लांट है, सीड जो मोनोकॉट प्लांट के सीड्स होते हैं उनमें सिर्फ एक ही सीड लीफ होता है। ये एक मोनोकॉट प्लांट का सीड है, इसमें एक सीड लीफ होता है, एक सीड लीफ होता है, इसीलिए इसे कहते हैं मोनोकॉट सीड। हैज वन सीड लीफ, सीड ऑफ मोनोकॉट प्लांट हैज वन सीड लीफ, जिसमें सिर्फ एक ही सीड लीफ होता है। द सीड ऑफ अ मोनोकॉट प्लांट हैज ओनली वन सीड लीफ और कॉटिलीडन बाय डाइकॉट हैव टू सीड लीफ। और डाइकॉट सीड ऑफ डाइकॉट प्लांट हैज टू सीड लीव्स। ये डायग्राम आप लोग को नजर आ रही है, इसमें ये दो सीड लीव्स हैं, तो इसलिए हम कहते हैं कि ये डाइकॉट है। डाई का मतलब ही क्या है, टू, जिसमें टू सीड लीव्स होंगे। तो डाइकॉट का जो सीड है उसको डाइकॉट क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें दो सीड लीव्स होते हैं। द कॉटिलीडन ऑफ द मेन सीड इज ओनली अ थिन लीफ। जो कॉटिलीडन है मेन सीड का, उसका पत्ता बहुत पतला सा होता है, रिजेम्बलिंग द एडल्ट लीव्स, लेकिन उसकी मुशाबहत एडल्ट लीव्स के जैसी ही होती है, बड़े पत्ते के जैसी ही होती है। बिकॉज द एंडोस्पर्म टू फीड द एम्ब्रियो न्यू प्लांट इज नॉट इन द सीड लीफ, क्योंकि एंडोस्पर्म जिससे एम्ब्रियो ने खुराक हासिल करनी है, खुराक लेनी है, वो सीड लीफ के अंदर नहीं है। द टू कॉटिलीडन्स ऑफ द फ्रेंच बीन सीड आर राउंडेड एंड फैट बिकॉज दे कंटेन द एंडोस्पर्म टू फीड द न्यू प्लांट। जो दो कॉटिलीडन हैं, ये वाले जो कॉटिलीडन्स हैं, ये फ्रेंच बीन सीड के टू जो सीड लीव्स हैं, कंटेन द एंडोस्पर्म टू फीड द न्यू प्लांट। ये जो टू सीड लीव्स हैं, इनके अंदर एंडोस्पर्म है जिससे न्यू प्लांट ने फूड लेनी है अपनी, इसके अंदर एंडोस्पर्म प्रेजेंट है जिससे न्यू प्लांट ने अपनी खुराक लेनी है। द फर्स्ट टू लीव्स ऑफ द प्लांट आर ऑफन अ डिफरेंट शेप। ये जो टू लीव्स हैं, इनकी शेप भी डिफरेंट है, ये जो टू लीव्स हैं इनकी शेप डिफरेंट है, एक जैसी नहीं है। उसके बाद हम लोगों ने स्टेम के बारे में पढ़ना है, तना कैसा होता है, इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, कौन सी चीज़ इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। द स्टेम ऑफ अ प्लांट प्रोवाइड्स अ सपोर्ट इट नीड्स टू स्टैंड अपराइट। किसी भी प्लांट का जो स्टेम है वो सपोर्ट प्रोवाइड करता है प्लांट को, ताकि वो सीधा खड़ा रह सके। द स्टेम्स होल्ड अप द लीव्स फ्लावर्स एंड फ्रूट। स्टेम जो है वो उसने पकड़े रखा है, होल्ड किया हुआ है लीव्स फ्लावर्स और फ्रूट्स को। स्टेम्स आल्सो एक्ट एज अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम। स्टेम जो है वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तरह काम करता है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम में वैस्कुलर बंडल्स आ जाते हैं। वैस्कुलर बंडल्स में दो तरह के टिश्यूज होते हैं, जाइलम टिश्यूज होते हैं और फ्लोएम टिश्यूज होते हैं। जाइलम टिश्यूज का काम होता है कि प्लांट के हर सेल तक पानी पहुंचाना, पूरी प्लांट बॉडी में वाटर की ट्रांसपोर्ट करना। फ्लोएम टिश्यू का काम होता है ट्रांसपोर्ट फूड इन अ प्लांट बॉडी, पौधे के हर सेल तक खुराक पहुंचाना, पूरी प्लांट बॉडी में फूड की ट्रांसपोर्ट करना। दिस ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज कॉल्ड द वैस्कुलर सिस्टम एंड कंसिस्ट ऑफ ट्यूब्स कॉल्ड जाइलम एंड फ्लोएम दैट कैरी वाटर, जाइलम एंड फूड फ्लोएम अराउंड द प्लांट। लुक एट दिस क्लोज ऑफ द इमेजेस ऑफ द स्टेम ऑफ अ डाइकॉट एंड मोनोकॉट प्लांट। वैस्कुलर बंडल्स आर अरेंज्ड इन रिंग्स इन डाइकॉट एंड स्कैटर्ड थ्रू आउट द स्टेम इन मोनोकॉट। ये डाइकॉट और मोनोकॉट के वैस्कुलर बंडल्स हैं। ये डाइकॉट जो प्लांट है इसमें वैस्कुलर बंडल्स ये नीचे दो डायग्राम दी गई हैं, डाइकॉट स्टेम की और मोनोकॉट स्टेम की। यहाँ पे बुक पे उन्होंने गलत लिख दिया हुआ है, आप लोग सही कर लें, कोरेक्शन कर लें। ये मोनोकॉट स्टेम, इसको कट करके डाइकॉट स्टेम लिखें। यहाँ पे डाइकॉट स्टेम है, इसको कट करके मोनोकॉट स्टेम लिख लें। डाइकॉट स्टेम में जो वैस्कुलर बंडल्स होते हैं वो एक रिंग की शक्ल में अरेंज हुए हुए होते हैं, और मोनोकॉट स्टेम में इधर उधर बिखरे हुए होते हैं वैस्कुलर बंडल्स। इसको ठीक कर लें, कोरेक्शन कर लें इसकी। यहाँ से यहाँ तक आप लोगों ने रीडिंग करनी है। अब ओपन करें पेज नंबर 50 पे है।
क्वेश्चन नंबर 4. बिलो आर द डायग्राम्स ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट स्टेम्स. विच डायग्राम शोज द स्टेम ऑफ अ मोनोकॉट एंड विच शोज द स्टेम ऑफ अ डाइकॉट. राइट अ रीजन फॉर योर आइडेंटिफिकेशन. इन दोनों डायग्राम्स को देख के आप लोगों ने बताना है कौन सी डाइकॉट की है, कौन सी मोनोकॉट की है. ये वाली जो डायग्राम है ये डाइकॉट स्टेम की है, क्योंकि इसमें वैस्कुलर बंडल्स अरेंज हुए हुए होते हैं रिंग की फॉर्म में. द वैस्कुलर बंडल्स आर अरेंज इन अ रिंग, रिंग की तरह वैस्कुलर बंडल्स अरेंज हुए हुए होते हैं डाइकॉट स्टेम में. ये मोनोकॉट स्टेम है. द वैस्कुलर बंडल्स आर स्कैटर्ड थ्रू द स्टेम. वैस्कुलर बंडल्स इधर उधर बिखरे हुए होते हैं पूरे स्टेम में वैस्कुलर बंडल्स इधर उधर बिखरे हुए होते हैं. ये दोनों डायग्राम्स है. ये क्वेश्चन आप लोग राइट कर लें और साथ डायरी मेंशन कर लें. पेज नंबर 45 रीडिंग प्लस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4 लर्न प्लस राइट.